हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसआर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस अपने आप में एक ब्रॉड एरिया माना जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को काफ़ी कंफ्यूजिंग भी माना जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एरर डिटेक्शन में दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में भी पास्ट परफेक्ट टेंस से मिल जाते हैं। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। कोई भी डाउट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड नहीं रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइस, आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए पढ़ा, जब मैं घर पहुंचा। गौर से समझना फ्रेंड्स, जब मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था। दूसरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जब वह यहां आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। गाइस, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, टू पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, दो सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं। और ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में, जो अगर हम इसको एक पूरा सेंटेंस मानते हैं तो हम इसको एक क्लॉज कहेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं, एक फुल सेंटेंस है और उनमें क्लॉजेस दिए गए हैं। तो दो क्लॉजेस दिए गए हैं गाइस, लेकिन जब मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था, यानी कि हमें यह पता चल पा रहा है कि कौन सा एक्शन पहले खत्म हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था जब मैं घर पहुंचा, यानी कि मेरी वाइफ खाना पका चुकी थी जब मैं घर पहुंचा, यानी कि मैं घर बाद में पहुंचा। जब वह यहां आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। गाइस, आइए इस बात को हम समझते हैं और डीपली से। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट में हमेशा आपको डबल एक्शंस मिलेंगे। दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, दो क्लॉजेस दिए होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। गाइस, डबल एक्शंस को अगर हम बांटने की कोशिश करें तो ये बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, टू पार्ट्स में। पहले पार्ट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट एक्शन। गाइस, मेरे साथ बोले मिलके, एंटीसीडेंट एक्शन। और दूसरा होता है, वो होता है प्रेसिडेंट एक्शन। गाइस, ये प्रेसिडेंट वो राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। उसकी जो स्पेलिंग होती है PRESS होती है और फिर आई होती है। मैं आपके लिए लिख देता हूं, PRESSIDENT, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की होती है। अभी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि डबल एक्शंस जो बट जाते हैं वो पास्ट परफेक्ट में कुछ इस तरीके से बट जाते हैं, एंटीसीडेंट एक्शन और प्रेसिडेंट एक्शन। एंटीसीडेंट एक्शन हम उस एक्शन को कहते हैं जो पहले हुआ, प्रेसिडेंट एक्शन हम उसको कहते हैं जो बाद में हुआ। गाइस, पहले हुआ से हमारा क्या मतलब है? पहले हुआ से हमारा ये मतलब है कि पहले खत्म हुआ, पहले कंप्लीट हुआ। गाइस, जब आपने कह दिया कि ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, तो आपको पता है जब हम कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? वहां पर आप हमेशा यूज करते हो परफेक्ट टेंस को। ये बात तो आपको समझ में आती है कि अगर कोई काम पहले कंप्लीट हुआ, कंप्लीट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्शन परफेक्ट का एक्शन होता है। अब क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं पास्ट परफेक्ट। गाइस, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो एक्शन पहले हुआ हम उसको कंप्लीट मानते हैं, और कंप्लीट मानते हैं, कंप्लीट होता है वो एक्शन, इसलिए हम उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनाने का काम करते हैं। गाइस, एक तरीके से और मैं आपको इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने यहां पर एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी, ये टाइम है
और टाइम का ये हिस्सा जिस समय मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा प्रेजेंट टाइम। अब मैं प्रेजेंट से थोड़ी भी सेकंड पहले या कुछ पल पहले भी मैं जाना चाहूं तो आपको समझ में आता है वो हमारा कहलाएगा पास्ट। और अगर मैं इससे थोड़ा पहले और जाऊं तब भी आप उसको कहेंगे पास्ट। गाइज समझना बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बारीकी से मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि आखिर पास्ट परफेक्ट का यूज आपको करना कब है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब मैं इस प्रेजेंट से इस टाइम को रिलेट करना चाहूं तो आपको समझ में आता है ये प्रेजेंट से तो ये अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं ये पास्ट टेंस हुआ। और अगर मैं इस वाले को रिलेट करना चाहूं तो आपको ये समझ में आता है ये तो और ज्यादा पास्ट हुआ। प्रेजेंट से अगर हम इसको देखें तो ये कहलाएगा हमारा नियर पास्ट, नजदीक पास्ट। और अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये हमारा कहलाया जाएगा मोर पास्ट, मोर पास्ट। आप इसको कह सकते हो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि एक तो हमारा प्रेजेंट से ये रिलेट कर रहे हैं तो ये हमारा नियर पास्ट है। और अगर हम इससे इसको रिलेट कर रहे हैं तो ये हुआ इससे भी ज्यादा पास्ट, तो आप इसको कहेंगे मोर पास्ट। पहली कंडीशन तो ये हुई गाइस। दूसरी कंडीशन ये हुई, आप क्योंकि आप इसको पास्ट कह रहे हो और ये इसका भी ज्यादा पास्ट है तो आप कहेंगे इसको पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि ये ज्यादा पास्ट हो जाता है, यानी कि ये पास्ट का भी पास्ट है। और पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये इसका कंक्लूजन निकल के आता है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करते हैं दो पास्ट को तो जो नियर पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता, उसके पहले और अगर हम जाए वो जो पास्ट होता है उसको ही हम बोलते हैं मोर पास्ट या फिर पास्ट ऑफ पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हो तो गाइज परफेक्ट के नाम पर आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, आपको पता है परफेक्ट के लिए हमने प्रेजेंट में सीखा था हैज हैव का यूज करते हैं, लेकिन अब आपको बनाना है परफेक्ट किसका, पास्ट का, तो हैव की और हैज का, हैव की और जो हैज की पास्ट जो होती है हेल्पिंग वर्ब हम उसको बोलने का काम करते हैं हैड। परफेक्ट पास्ट का होता है हेल्पिंग वर्ब हैड। और आपको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब की लगानी पड़ती है थर्ड फॉर्म, इसलिए पास्ट परफेक्ट के नाम पर आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा कंक्लूजन यहां पर निकल के आया गाइस। अब क्योंकि प्रेसिडेंट एक्शन ये जो हमारा नियर पास्ट है, नियर पास्ट, ये पास्ट ऑफ परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पास्ट है। और ये सिर्फ पास्ट है इसलिए हम इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आप लिखेंगे बाद में हुए एक्शन को। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी गाइस। अब हम इन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। जब मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था, तो आप सोच के बताइए कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है, कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है। तो आप कहेंगे जो पहले हुआ एक्शन वही तो एंटीसीडेंट एक्शन है, और जो पहले एक्शन हुआ वो एक्शन ये है मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था, ये एक्शन हमारा एंटीसीडेंट एक्शन है। जब मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था, मेरी वाइफ ने पहले ही खाना पका लिया था, ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन और ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट एक्शन। अब मैं इस बात को समझना चाहूं, जब वह यहां आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, तो मैंने तो अपना होमवर्क कर ही लिया था, वो एक्शन तो खत्म ही हो गया था, पहले हुआ था, इसलिए हम इस एक्शन को कहेंगे एंटीसीडेंट एक्शन। जब मैं वहां पहुंचा, जब वह यहां आया, तो ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट एक्शन। तो आपको अब ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है और कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है। गाइस इस बातचीत को लिख लीजिए, मैं
इन सेंटेंसेस को आपकी ही हेल्प से सॉल्व करना चाहूंगा, तब तक आप इस जानकारी को लिख लीजिए पहले। गाइज आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इनको सॉल्व किस तरीके से हमें करना है। आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट एक्शन कौन सा होता है और प्रेसिडेंट एक्शन कौन सा होता है। एंटीसीडेंट एक्शन के लिए फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर दूं, हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, और प्रेसिडेंट एक्शन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट का। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को लिखेंगे आप, उसके बाद में हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गाइज पास्ट इंडेफिनेट की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट को, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट को हम पहले सीख ही चुके हैं। तो गाइज जब मैं घर पहुंचा, ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट एक्शन, तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको? आप इसको लिखेंगे व्हेन आई रीच्ड होम, When I reached home, जब मैं घर पहुंचा। हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट की, क्योंकि ये हमारा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है, इसलिए आप इसको सेकेंड फॉर्म में बनाएंगे। When, ये हुआ हमारा आई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपने लिखी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था। वो एक्शन पहले हो गया था, इसलिए वो एंटीसीडेंट एक्शन है, और एंटीसीडेंट एक्शन इसलिए आप उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माई वाइफ हैड, और वर्ब की तरफ माई वाइफ हैड कुक्ड फूड। ये इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। व्हेन आई रीच्ड होम माई वाइफ हैड कुक्ड फूड, जब मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना पका लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जब वह यहां आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। जब वो यहाँ आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, तो ये जब वह यहाँ आया ये बाद में आया था, इसलिए प्रेसिडेंट एक्शन है, और प्रेसिडेंट एक्शन है इसलिए आप इसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट को किस कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे व्हेन ही, और आने के लिए आप लिखी वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। व्हेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन, ये एक्शन पहले ही हो चुका था, इसलिए आप करेंगे आई हैड डन माई होमवर्क। इस तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस बन जाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इन चीजों को लिख लीजिए। गाइज आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इन सेंटेंसेस को। गाइज ये कुछ सेंटेंसेस जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, जिससे आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और आसान हो जाए। आइए गाइज एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, और काफी चर्चा में रहने वाले ये सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा, जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है और कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन है। तो आप समझे, जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी, ये एक्शन एंटीसीडेंट एक्शन है। जब वह पहुंचा यानी कि वो बाद में पहुंचा, लेट हो गया था और ट्रेन निकल गई थी, वो एक्शन पहले हुआ, यानी कि ये हुआ मोर पास्ट और ये हुआ नियर पास्ट। और इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, जब आपको सेंटेंस में दिख रहा हो व्हेन, व्हेन और हमें मिल रहे हैं दो सेंटेंस लिखे हुए, तो व्हेन के बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है वो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज उसकी यही रहेंगी कि वो लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जी हाँ गाइस, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। व्हेन के जस्ट बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वही एक्शन प्रेसिडेंट एक्शन होता है, वही एक्शन बाद में हुआ एक्शन होता है। अब क्योंकि ये एक्शन पहले ही हो चुका होता है, तो इसलिए आप दूसरे वाले सेंटेंस को आप हमेशा लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में।
पास्ट परफेक्ट में, ये आपको काफी हेल्प करेगा। गाइज इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना रहे। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं इस सेंटेंस को सॉल्व करता हूं। जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, तो हमने देखा जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, तो आप लिखेंगे व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन निकल चुकी थी तो आप कहेंगे द ट्रेन हैड। अब निकलने के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डिपार्ट, डी ई पी ए आर टी। डिपार्ट का मतलब होता है निकलना। अब क्योंकि आपको बनानी है थर्ड फॉर्म, तो आप इसमें ईडी लगा देंगे, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। जब मैं उठा मेरी माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था, तो मेरी माँ ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था, ये एक्शन हुआ हमारा एंटीसीडेंट एक्शन, और ये एक्शन बाद में हुआ इसलिए हम कहेंगे प्रेसिडेंट एक्शन। तो इसको बनाएंगे सेकंड फॉर्म में, जब मैं उठा। और आप इससे भी समझ सकते हो कि व्हेन के तुरंत वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो आप कहेंगे व्हेन आई, उठने के लिए आप करते हो गेट अप का यूज, अब हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो आप लिखेंगे गॉट अप। व्हेन आई गॉट अप, मेरी माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था, तो आप कहेंगे माई मदर हैड, तैयार करने के लिए आप लगाते हैं प्रिपेयर, और उसकी आपने लगाई थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। माय मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस काफी चर्चा में रहता है, बहुत सारे लोग इस सेंटेंस में कंफ्यूज्ड रहते हैं। गाइस बात करते हैं, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, मरीज तो मर ही गया था, डॉक्टर आया बाद में, तो आप लिखेंगे व्हेन द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर केम, पेशेंट मर गया था, मरीज मर गया था, तो आप कहेंगे द पेशेंट हैड डाइड, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। आप यहां पर डाइड की जगह यूज कर सकते हो पास अवे का, और आप लिख सकते हो उसकी थर्ड फॉर्म पास्ड अवे। नेक्स्ट सेंटेंस मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया मैं तैयार हो चुका था। गाइस कंडीशन देखो आप, जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया मैं तैयार हो चुका था, यानी कि मैं तो तैयार पहले ही हो गया था, फिर मेरे दोस्त का कॉल मेरे पास आया, तो आप कहेंगे व्हेन, व्हेन आई, व्हेन ऐसे कहेंगे आप माय फ्रेंड, व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, मैं तैयार हो चुका था, तो आप कहेंगे आई हैड। अब तैयार होने के लिए आप यूज करते हो गेट रेडी, इसलिए आप उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉट रेडी। व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी आई हैड गॉट रेडी, जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया तो मैं तैयार हो चुका था। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम बनाने का काम करते हैं। गाइस आपके लिए मैं कंक्लूजन निकाल के देता हूं कि कंक्लूजन में है क्या। जैसे कि आपको दिख रहा है व्हेन, तो व्हेन के तुरंत वाला सेंटेंस, तुरंत बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद वाला जो एक्शन होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ये व्हेन आपको बीच में भी लिखा मिल जाता है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि व्हेन के बाद में जो एक्शन जाएगा वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप यहां पर लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर अब आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि आप व्हेन के बाद में तुरंत जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। गाइस उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पास्ट परफेक्ट की और गहरी बातें अभी बची हुई हैं। मैं अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूंगा और हर प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करूंगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।